वेलकम बैक टू स्टॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे एवरेज से 223.30 पे यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। मीन्स तकरीबन यहाँ पे एवरेज से कि सुबह में गैप अप से ओपन होकर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। आज ओपन हुआ था 224.05 पे, फिर हाई बनाया था 224.60 का और लो था 221.55 का। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह में गैप अप से ओपन होकर यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी, पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग डे है उसके भी नीचे यहाँ पे चला गया था, पर रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक ने। मार्केट कैप भी देख सकते हो 20,000 करोड़ की है और करंटली यहाँ पे पी रेशियो भी देखा जाए तो बहुत ही हाई है 70.88 का। डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो 67% का डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे 0.67% का। तो यहाँ पे पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की, तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट की रैली करता हुआ नजर आया है। और लास्ट 1 मंथ की भी बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 13 पॉइंट की रैली के 6% अप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 225 लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लगती हुई नजर आ चुके हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक को। जब तक 225 लेवल ब्रेक नहीं होती तो हम अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकती। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए हमने परसों भी बताया था कि तकरीबन जो जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल रहेगी और 222.50 लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टिव लेवल रहेगी और वैसे ही वह वहाँ पे सपोर्ट लेके रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है और वैसे बाउंस बैक हो भी गया है। यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में 100 लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया। तकरीबन हमने बताया था कि 15 मिनट का चार्ट फ्रेम आप रखिए, 15 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि रेड कलर की जो लाइन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सपोर्टिव लेवल हमने बताई थी तकरीबन ओ लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। मीन्स यहाँ पे वीक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया था, फिर वही से सपोर्ट लेके रिसेंटली बाउंस बैक किया है। तो यहाँ से ऊपर भी जाता है तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली सॉरी डेली चार्ट फ्रेम का प्यूट लग सकता है 224 लेवल तक। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको ब्रेक होता है तो 225 लेवल भी आराम से आज के दिन में ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।